उम्मीद लिए आंखों में गमों में भी मुस्कुराना होगा। आज कर कुछ ऐसा कि कल पीछे तेरे जमाना होगा, पीछे तेरे जमाना होगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी महान शख्सियत, एक ऐसे खिलाड़ी, एक ऐसे योद्धा, लेजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह को याद कर आज जमाना यही पंक्तियां दोहरा रहा है। कोविड-19 के चलते 91 वर्ष की उम्र में शुक्रवार को इस दुनिया को अलविदा कह चुके स्टार भारतीय धावक मिल्खा सिंह आज प्रत्येक खेल प्रेमी की याद बनकर सबके जहन में उतर रहे हैं। उनके जीवन से जुड़े उन तमाम किस्सों के बारे में बात करेंगे, उन तमाम उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे जिसके चलते आज समूचा विश्व उन्हें याद कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री सहित तमाम बड़ी हस्तियों ने उनके निधन को एक युग का अंत कहा है और शोक व्यक्त किया है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं DNP इंडिया। आज के मिल्खा सिंह स्पेशल एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे मिल्खा सिंह के जीवन से जुड़े तमाम किस्से, उनके जीवन की तमाम उपलब्धियों का जिक्र करेंगे, साथ ही साथ हम उनके संघर्षों की कहानी भी आपको बताएंगे। तो बने रहिए DNP इंडिया के साथ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि पूर्व भारतीय लेजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। कोरोना के चलते शुक्रवार रात 11:30 बजे उनका निधन हो गया। वे 91 साल के थे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देते हैं दोस्तों कि अब से करीब 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी और भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान निर्मल कौर का भी कोविड-19 के चलते निधन हो गया था। दोस्तों, मिल्खा सिंह का इलाज चंडीगढ़ के PGI में 15 दिनों से चल रहा था। उन्हें 3 जून को ऑक्सीजन लेवल गिरने के कारण ICU में भी भर्ती कराया गया था। इससे पहले 19 मई को उनकी कोरोना की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। खैर, कोरोना से लंबी जंग के बाद वे शुक्रवार रात ये जंग हार गई, लेकिन इस जंग को हारने के बाद भी वे अपनी महानता की जंग जीत चुके हैं, जिसके कारण कि उन्होंने इतने वर्षों से तमाम चाहने वालों के दिलों में खुद को जिंदा रखा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उनके जीवन से जुड़े उन तमाम किस्सों के बारे में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उनका जन्म आखिर कहां हुआ और उसके बाद कैसा रहा उनका ओलंपिक से, मिल्खा सिंह से और फ्लाइंग सिख बनने तक का सफर। मिल्खा सिंह का जन्म हुआ 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा में, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ। इन्हें खेल और अपने देश से बेहद लगाव था। इस तरह से पार्टीशन के समय ये भारत आ गए और इन्होंने भारत में ही रहना मुनासिब समझा और उसके बाद भारत आते ही इन्होंने भारतीय सेना में भी अपने हाथ आजमाए और भारतीय सेना में शामिल हो गए। मिल्खा सिंह ने साल 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता था। और दिलचस्प बात ये है कि इस उपलब्धि के 56 साल बाद भी ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया था। साल 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कृष्णा पूनिया ने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया और इस तरह से 1958 के बाद 2010 में ये रिकॉर्ड टूटा था। एशियन गेम्स में भी जीते लगातार 2 गोल्ड मेडल। जी हाँ दोस्तों, मिल्खा सिंह ने 1962 जकार्ता एशियन गेम्स में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीते थे। उन्होंने 400 मीटर और 400 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले 1958 एशियन गेम्स में 200 और 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं 1960 के रोम ओलंपिक गेम्स की, जहां से मिल्खा सिंह को एक नई पहचान मिली थी। जी हाँ दोस्तों, मिल्खा सिंह 1960 के रोम ओलंपिक्स में 400 मीटर दौड़ में 4th स्थान पर रहे थे। हालांकि वे मेडल जीतने में सफल नहीं हुए, लेकिन 45.43 सेकंड का समय उन्होंने 400 मीटर रेस को पूरा करने में लिया था, जो कि एक नेशनल रिकॉर्ड था और ये रिकॉर्ड 40 साल तक कायम रहा था। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उस दिलचस्प कहानी के बारे में जिसके बाद से मिल्खा सिंह को जाना जाने लगा फ्लाइंग सिख के नाम से। जी हाँ दोस्तों, 5 बार के एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट मिल्खा सिंह को पहली बार 1960 में फ्लाइंग सिख कहा गया और ये नाम उन्हें दिया पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने। दरअसल 1960 में अयूब खान ने इंडो पाक स्पोर्ट्स मीट के लिए मिल्खा सिंह को पाकिस्तान आमंत्रित किया था। मिल्खा सिंह बचपन में जिस देश को छोड़कर आए थे वहां वे जाना नहीं चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जोर देने पर और आग्रह करने पर वे भारतीय दल के लीडर बनकर पाकिस्तान गए थे और वहां पर मिल्खा सिंह ने 200 मीटर स्प्रिंट में पाकिस्तान के सुपरस्टार एथलीट अब्दुल खलीफ को आसानी से हराकर गोल्ड मेडल जीता था।
मेडल सेरेमनी में अयूब खान ने मिल्खा सिंह को पहली बार फ्लाइंग सिख कहा था, जिसके बाद से उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाने लगा। मिल्खा सिंह के फ्लाइंग सिख वाले किस्से के साथ ही एक और किस्सा भी बेहद मशहूर है, जिसका जिक्र खुद मिल्खा सिंह ने किया है। जी हाँ दोस्तों, मिल्खा सिंह ने कहा था कि उन्हें फ्लाइंग सिख का नाम जनरल अयूब खान ने दिया था। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय पाकिस्तान को जाता है। मिल्खा सिंह आगे बताते हैं कि जब मैं रेस जीता तो अयूब खान मेरे गले में मेडल डालने स्टेज पर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आज तुम दौड़े नहीं हो बल्कि उड़े हो। मिल्खा सिंह आगे बताते हैं कि जब मैंने जीत के बाद स्टेडियम का चक्कर लगाया तो स्टेडियम में 10,000 महिलाएं बुर्का पहने हुए बैठी हुई थी और मुझे स्टेडियम में जीत के बाद चक्कर लगाते हुए देख उन महिलाओं ने अपने बुर्के उठाए और कहा कि आज इस सरदार ने कमाल कर दिया। दोस्तों, मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग से जुड़ा एक किस्सा भी बेहद मशहूर है, क्योंकि मिल्खा सिंह की बेटी सोनिया सावलंका ने अपने पिता के जीवन पर रेस ऑफ माई लाइफ नाम से एक किताब लिखी थी, जो कि साल 2013 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब के छपने के बाद फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने उनके जीवन पर फिल्म भाग मिल्खा भाग बनाने का निर्णय लिया। फिल्म बनाने की अनुमति देने के बदले निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा से मिल्खा सिंह ने मात्र 1 रुपए का नोट लिया था। जी हाँ दोस्तों, ये किस्सा काफी मशहूर है। इस 1 रुपए की खास बात ये थी कि ये 1 रुपए का नोट साल 1958 का था, जब मिल्खा ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार स्वतंत्र भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और ये 1 रुपए का नोट पाकर मिल्खा सिंह काफी भावुक हो गए थे। ये नोट उनके लिए एक कीमती याद की तरह था। इस फिल्म में अभिनेता फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह की भूमिका निभाई थी। फिल्म को देखकर मिल्खा सिंह ने कहा था कि इससे युवाओं को खेलों में देश के लिए मेडल जीतने की प्रेरणा मिलेगी और इस फिल्म ने काफी अच्छी कमाई भी की थी। इस फिल्म की अगर टोटल कमाई की बात की जाए तो विश्व स्तर पर 169 करोड़ से ज्यादा और भारत में इस फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी निर्मल कौर की लव स्टोरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अपने एक इंटरव्यू में मिल्खा सिंह जिक्र करते हैं कि निर्मल को देखते ही मैंने उन्हें पसंद कर लिया था, लेकिन हमारे बीच बातचीत ज्यादा नहीं हो पाई थी। हालांकि मेरे पास कोई कागज नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने निर्मल से पहली बार मिलने के साथ ही उनके हाथ पर अपने होटल का नंबर लिख दिया था। इसके बाद साल 1958 में दोनों की मुलाकात फिर से शुरू हुई, लेकिन प्यार की गाड़ी ने चलना तो शुरू किया 1960 में, जब दोनों की मुलाकात दिल्ली के एक नेशनल स्टेडियम में हुई। उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता गया और उसके बाद प्यार का इजहार भी हो गया। ऐसे में अब इस रिश्ते को बस एक नाम देना बाकी था, यानी कि शादी करना। लेकिन उस वक्त मिल्खा सिंह एक बड़ा नाम बन चुके थे और उनकी शादी में अड़चन बन रहे थे उनके ही ससुर, यानी कि निर्मल कौर के पिता, क्योंकि वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। इसके पीछे की वजह थी धर्म, क्योंकि मिल्खा सिंह जहां सिख परिवार से नाता रखते थे वहीं निर्मल हिंदू परिवार से आती थी। ऐसे में शादी में अड़चन आना स्वाभाविक था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जोड़ियां तो रब के घर से ही बनकर आती हैं। ऐसे में इन्हें बनाने या बिगाड़ने वाले हम कौन होते हैं। इसलिए उस वक्त मिल्खा सिंह और निर्मल कौर की शादी के लिए पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों मसीहा बनकर सामने आए। उन्होंने दोनों ही परिवार को समझाया, जिसके बाद साल 1962 में दोनों शादी के पवित्र बंधन में बन गए। अक्सर ये बातें भी होती हैं कि कई सार्वजनिक तौर पर मिल्खा सिंह भी कहते हैं अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए, वे कई बार कह चुके हैं कि उनकी पत्नी खुद 10वीं पास हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने और संस्कार देने में उनकी पत्नी निर्मल का ही अहम रोल रहा है। मिल्खा सिंह। तो दोस्तों, ये थी भारत के स्टार फर्राटा धावक मिल्खा सिंह की कहानी, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके व्यक्तित्व के, उनकी उपलब्धियों के बारे में जितना जिक्र किया जाए उतना कम है, क्योंकि वे केवल एक इंसान ही नहीं बल्कि समूचा युग स्वरूप थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पेशकश हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि समय समय पर हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन पेशकश लाते रहें।